नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ पारिवारिक झगड़े की, आज मैं बात कर रहा हूँ पारिवारिक अपवादों की, आज मैं बात कर रहा हूँ पारिवारिक असमंजसता की। ये आज चलन हो गया है, भाई भाई में विवाद होना, देवरानी जेठानी में संग्राम होना, सास बहू में विवाद होना, मतलब ये आम प्रचलन हो गया है। ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सीरियल तक पहुंच चुका है। हर टीवी पर जो प्रोग्राम में ये सब चीज़ें दिखती हैं, हर एक जगह ये सब चीज़ें दिखाई पड़ने लग गई हैं। ये तो बहुत आम बात है, लेकिन इसमें एक और बहुत ख़ास बात है कि आज की डेट में ये दिखाई पड़ने लगा है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है। एक भाई दूसरे भाई की पूरी संपत्ति हड़प लेना चाहता है। ये तो देश नहीं था हमारा, ये क्या ही होने लग गया यहां। एक ही कोख से, एक ही मां से जन्म लिए दो अलग अलग बच्चे, ऐसा कैसे होने लग गया? एक चाहता है कि सब कुछ मुझे मिल जाए और दूसरे को कुछ भी ना मिले, ये सही होगा क्या? परिश्रम कम और ज्यादा सही पर किया तो दोनों नहीं होगा। एक कंपनी खड़ी की गई, एक व्यवस्था खड़ी की गई, एक संसाधन खड़ा किया गया, आगे जाकर के उस पर विवाद क्यों होता है? ऐसे कुंडली में कौन से ग्रह दोष होते हैं, ऐसे कौन से नक्षत्र हैं, ऐसे कौन सी परिस्थितियां सृजित होती हैं जिस पर इस प्रकार का विवाद होता है, जो विवाद बढ़कर संपत्ति तक जाता है? संपत्ति विवाद, आर्थिक विवाद, पारिवारिक संकट बढ़ने लग जाते हैं इस कंडीशन में। ऐसे वो कौन से ग्रह नक्षत्र हैं और इनका क्या इलाज है? अगर कहीं समस्या है तो उसका समाधान है, अगर कोई ऐसी अव्यवस्था है तो उसका उसे व्यवस्थित करने का संसाधन है। आज ये बहुत बड़ी संख्या में दिखाई पड़ने लग गया है, ऐसा लोगों के साथ हो रहा है, लोग कर रहे हैं ऐसा। आपने भी सुना होगा, हो सकता आप में से कोई ऐसा भुक्तभोगी हो, पीड़ित हो। कभी संपत्ति का विवाद, कभी जमीन का विवाद, कभी पारिवारिक विवाद, कभी घर का विवाद, कभी किसी खेती को लेकर के विवाद, कभी संपत्ति का या कोई जमा पूंजी का विवाद। अगर पिता के दो पुत्र हैं, तीन पुत्र हैं, पांच पुत्र हैं, तो सबका बराबर अधिकार है ना। पैतृक संपत्ति पर ऐसी अव्यवस्थाएं क्यों होती हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा पितृदोष, वंश दोष, परंपरा दोष, हाँ कुल दोष। राहु, केतु, बुध, मंगल, शनि, ये ग्रह मिलकर के इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को सृजित करते हैं। कुंडली कहती है कि अगर मंगल और राहु एक साथ विद्यमान हो फिफ्थ हाउस में, तो ऐसी कंडीशन ज़्यादा बढ़ती हैं। जातक को वकीलों के चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं, या तो डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बड़ी बड़ी संपत्ति विवाद होते हैं और जीवन में ऐसी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, और ये तब होगा जब राहु की महादशा आएगी। ज़्यादातर ऐसी कंडीशन राहु, केतु, बुध की महादशा प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, न्यूनांतर दशाओं में आती हैं। ऐसे विवादों में 70-80% चांसेस होता है कि लोकतंत्र मंत्र यंत्र का उपयोग करके आपको नीचा दिखा करके आपको हराने की पूरी कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में इंसान हर किसी से लड़ सकता है, जीत सकता है, लेकिन अपने ही भाई से कोई कैसे जीत जाए, कोई अपने से ही कैसे जीत जाए? और ये तो कुछ नहीं है, लोग अपने ही पिता के ऊपर केस करके उससे उसकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं, ये विडंबना है। अभी पीछे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक पिता बिलख के रो रहा है कि मेरा बेटा मुझे मेरी ही संपत्ति से बेदखल कर रहा है, मेरी ही संपत्ति से, मेरी बनाई संपत्ति। बेटे ने बनाई होती तो कुछ और बात होती, मेरी बनाई हुई संपत्ति से मेरा बेटा मुझे बेदखल कर रहा है, बताइए क्या विडंबना है? ऐसा होता क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे आज हम। ज्योतिष क्या कहती है इस पर? किसी भी जातक का सूर्य खराब होने पर, किसी भी जातक का शनि और बृहस्पति का संसर्ग होने पर, किसी भी जातक का मंगल और राहु के संसर्ग होने पर ऐसी कंडीशन बनती है। जिस भी जातक के, एक बड़े ध्यान समझिएगा, जिस भी जातक को आइब्रो के बाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता हो, कोई एक अधिक, बड़े ध्यान से समझना, उसके साथ ऐसी कंडीशन आएगी ही आएगी, ये डेफिनेटली सच है।
छोटी वाली उंगली पर कहीं पर भी तिल हो दोनों में से किसी भी उंगली में, तो 100% समझ जाना कि ऐसी कंडीशन आएगी ही आएगी। जिस भी व्यक्ति का लेफ्ट और या राइट पैर का एक से अधिक बार ऑपरेशन हो जाए उसको निश्चित तौर पर समझ लेना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपने घर में बीच में आते हैं, आपसे बड़ा और छोटा कोई है, तो आपको 60% चांसेस होते हैं कि ऐसी कंडीशन आएगी। अगर आप कुंडली में मिथुन लग्न के जातक हैं, मीन लग्न के जातक हैं, कन्या लग्न के जातक हैं, वृश्चिक लग्न के जातक हैं, तो ऐसी कंडीशन आने की बड़ी संभावना होती है, यद्यपि कर्क और सिंह में भी बहुत लोग मानते हैं। आपसी विवादों में एक का बहुत नुकसान होता है, दूसरे का बहुत ज्यादा फायदा होता है, यह कौन सा ग्रह करवाता है? सालों संपत्ति विवाद चलते हैं, कई बार तो पीढ़ियों तक चलते हैं। इसका क्या समाधान है, इसका क्या सलूशन है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे हम। देखो, सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करना, यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है और बड़े रूप में है। हम भूल थोड़ी सकते हैं रिलायंस ग्रुप की बात, जब दोनों भाइयों में युद्ध हुआ था, हम भूल कहां सकते हैं। इतने बड़े परिवारों की जब बातें हैं तो नीचे तबके में तो क्या ही होता है, हर एक जगह हो रहा है ये। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सिचुएशन है, ये ग्रहों का अपना, ये स्वाति से लेकर के अनुराधा, ज्येष्ठा, कई एक नक्षत्र ऐसे हैं जिन नक्षत्रों में जन्म लिए बच्चों के साथ ऐसी कंडीशन ज्यादा आती है। जिनका जन्म एकादशी, अष्टमी, द्वादशी, त्रयोदशी इनमें होता है तो ऐसी कंडीशन बनती है। अमावस्या पूर्णिमा के आसपास जन्म लेने वाले बच्चों के साथ ऐसी निश्चित तौर पर होती है। जिन बच्चों का जन्म मंगल शनिवार रविवार के बीच में होगा उनके साथ ऐसा डेफिनेटली होता है। जिनका विवाह रविवार मंगलवार शनिवार में होता है उनके साथ ऐसा होना संभावित होता है। ऐसे बड़े लक्षण हैं जिसकी वजह से ये सारी की सारी कंडीशन होती है। अगर आप किसी भी रूप में थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, बड़े ध्यान समझना, जमीन से 30 फुट ऊपर थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, 7th फ्लोर पर रहते हैं, 11th फ्लोर पर रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन आने की बड़ी प्रबल संभावना होगी आपके साथ। आपके दरवाजे के ठीक बगल में बालकनी हो तो ऐसी कंडीशन डेफिनेटली आने की संभावना होगी। ये वास्तु का परिणाम है। आपका किचन गैलरी में हो, गैलरी से किचन का रास्ता जाता हो तो ऐसी संभावना बनेगी। और इसका इलाज तासा है, इतनी छोटी सी चीज से ठीक हो सकता है। तो संभावनाएं बनने की बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लक्षण हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जातक को, इंसान को, मरीज को बुखार आ जाए तो वो बीमारी नहीं है, वो एक लक्षण है। शरीर तप रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, तो एक लक्षण है जिससे पता चलता है कि इंसान बीमार है। ऐसे ही ये सारे लक्षण हैं जिससे ये पता चलता है कि इस प्रकार के विवाद का जन्म होगा उससे। तो जल्दी से आपके उपायों की बात कर लेता हूँ, बता देता हूँ कि आपको इस पे क्या उपाय करना है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। बाबा हनुमान को सिंदूर, देशी घी, चमेली का तेल, ये तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ मिला करके लगाया जाए मंगलवार शनिवार, तो इससे आपको निजात मिलने की संभावना बनती है। हनुमान चालीसा अधिक मात्रा में बांटी जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाए, सुंदरकांड पाठ किया कराया जाए, तो भी ऐसी संभावना से आपको मुक्ति मिलती है। बंदरों को जंगल में छोड़ा जाए तो ऐसी संभावनाएं आपकी बहुत प्रबल मात्रा में बन जाती हैं। सांप को सपेरे से लेकर के जंगल में मुक्त किया जाए तो ऐसी संभावनाओं से आपको मुक्ति मिलने के संसाधन क्रिएट होते हैं। पन्ना के गणेश जी अपने पास में रखिए और उनका पूजन करिए, उनका आराधन करिए, तो ऐसे संसाधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। बगलामुखी का सही तरीके से सिद्धि करके उसका पाठ किया जाए, सिद्ध आचार्यों के द्वारा इसका आराधन किया जाए, तो इससे आप पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तिल का दिया जलाने से भी होता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया और विधि और विधान है, मंत्र है, फिर इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसको और महत्वपूर्ण बनाएंगे। अभी मैं स्पर्श कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, इस पर और अंदर तक जाएंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। अगर आपको इस चर्चा में कुछ इनपुट देने की आवश्यकता हो, अगर आपको लगता हो कुछ और बात रहती है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस जानकारी को उस तक जरूर पहुँचाना जो बेचारा पीड़ित हो इस चीज़ से। ये जिम्मेदारी है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808-1426-940।